एवरीवन, बेसिक मैथ्स में आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। देखिए बेटा, सपोज करो जो मार्कर मेरे हाथ में है ना, ये मैंने 20 रुपए का खरीदा। कितने रुपए का खरीदा? 20 रुपए का खरीदा। ठीक है बेटा, वो प्राइस जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो उस वस्तु का क्या कहलाता है बेटा? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कॉस्ट प्राइस। यदि मैंने ये मार्कर 20 रुपए का खरीदा होगा तो इस मार्कर का जो कॉस्ट प्राइस है, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सीपी बोल लेते हैं, वो कितने रुपए होगा बेटा? 20 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं इस मार्कर को बेच देता हूं और सपोज करिए बेच दिया मैंने ये 25 रुपए का, तो जो बेचना होता है वो उसका बेटा क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है, और शॉर्ट फॉर्म में उसको हम क्या कह देते हैं? सेलिंग प्राइस कह देते हैं। नहीं, शॉर्ट फॉर्म में तो एसपी कहते हैं, वैसे बेटा उसको फुल फॉर्म उसकी क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा है द प्राइस एट विच वी सेल अ थिंग। ठीक है, जिस प्राइस पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं वो उसका क्या कहलाता है बेटा? सेलिंग प्राइस कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग एसपी कहते हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिस कॉस्ट पर हम किसी वस्तु को क्या बेटा क्या करते हैं? खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका बेटा सीपी कहते हैं। अब मुझे आप बताइएगा, यदि मैंने कोई भी मार्कर या वस्तु 20 रुपए का जो है ना खरीदा, परचेज किया, बाद में उसको 25 रुपए का बेच दिया, तो बताइए मुझे फायदा हुआ या नुकसान? ठीक है बेटा, इसी कंडीशन को हम जानते हैं इंग्लिश में बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th, 7th, 8th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें इसकी भूमिका बहुत अहम होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। यदि हम लोग जो है कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदते हैं और उसको 125 रुपए की बेच देते हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है। यदि हम लोग किसी वस्तु को 100 रुपए की खरीदते हैं लेकिन बेच देते हैं 75 रुपए की, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है बेटा? लॉस होता है। सबसे पहले हमने देखा इसके कीवर्ड्स, अब हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है बेटा, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं होते हैं, 8-10 सबसे कॉमन होते हैं, उनमें से हम कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखिएगा नंबर वन, इफ ये क्या लिखा है बेटा आपका? एसपी ग्रेटर देन है सीपी से। अभी तो मैंने आपसे बताया था, यदि मैंने ये जो मार्कर मेरे हाथ में 20 रुपए का खरीदा जो किसका सीपी कहलाएगा, 25 रुपए का बेचा तो उसका क्या कहलाएगा बेटा? एसपी कहलाएगा। अब आप देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप लिखेंगे कि 25 इज ग्रेटर देन 20, राइट बेटा। और 25 किसकी वैल्यू है? एसपी की वैल्यू है। यदि हमारा जो एसपी है वो बड़ा होता है किससे बेटा? सीपी से, तो उस कंडीशन में आप बताइए क्या होता है? बताइए मुझे, यदि हमने कोई वस्तु या सपोज करो ये मार्कर ही मैंने 20 रुपए का खरीदा है और मैंने इसको बेचा है 25 रुपए का, तो मुझे क्या होगा यहां पे? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस बताइएगा मुझे यहां पे क्या होगा बेटा? प्रॉफिट होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट, और ध्यान रखना है प्रॉफिट को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? फायदा तो बोल देते ही हैं, लेकिन साथ के साथ में इसको हम गेन भी बोल देते हैं। ठीक है, कुछ बुकों में गेन लिखा होता है और कुछ बुकों में क्या लिखा होता है बेटा? प्रॉफिट, बात एक ही रहेगी। समझ में आ गया। लेकिन हमें प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा बेचने वाला प्राइस खरीदने वाले प्राइस से क्या हो बेटा? ज्यादा हो। इतने तो आप समझदार हैं। ठीक है बेटा, चलिएगा। अब हमने फॉर्मूला बनाया कि हमारा जो प्रॉफिट हमें अगर हम कंप्यूट करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हम निकाले, तो उसके लिए मुझे एसपी में से क्या घटाना होगा? सीपी घटाना होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ। यदि मैंने ये मार्कर अभी फिर बोलता हूं 20 रुपए का खरीदा है और मैंने आपको आपको दे दिया 25 रुपए का, तो मुझे बताइए मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है ना? चलिएगा बेटा आगे देखिएगा। अब हम क्या करेंगे? अब इससे भी हम लोग बेटा दो और फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले की सहायता से दो फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए, यदि मैं इस माइनस को इधर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा? तो इसको मैं लिख सकूंगा, देखो मैं यहां लिख देता हूं प्रॉफिट मेरा है, प्रॉफिट मेरा है, इसको मैंने इधर भेज दिया तो सीपी मेरा उधर जाके प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरा एसपी। मींस मैं कहना चाहता हूं इसी से मैं एक फॉर्मूला और बना सकता हूं, यदि मैं एसपी निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? इसमें से जोड़ देना होगा। बात समझ लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? प्लस मैं क्या कर देता हूं? सीपी। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये मार्कर काफी यूज हो रहा है बेटा, देखिएगा पढ़ाई में भी यूज हो रहा है, खरीदने बेचने में भी यूज कर रहे हैं इसको। तो ये मार्कर मैंने 20 रुपए का खरीदा, क्लियर है, लिख दूं यहां पे कहीं, चलो 20 रुपए का खरीदा मैंने, ये जो था कितने का बेचा?
मैंने बेचा कि भाई मैंने जो मार्कर खरीदा था ना मैंने बेच दिया, ठीक है मार्कर खत्म हो गया, देखो मार्कर बेच दिया मैंने, आपको बेच दिया सपोज करो, किसी को बेचा और उस पर मुझे जो ना 10 रुपए का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ बेटा? 10 रुपए का। तो क्या मैंने वो 10 रुपए का बेचा होगा? नहीं, 20 रुपए का तो मैंने खरीदा था। और मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे जो लाभ हुआ है, जो फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, वो कितने रुपए का हुआ है? 10 रुपए का हुआ है। मीन्स मुझे 20 रुपए से भी एक्स्ट्रा में 10 रुपए मिले तो मैंने यानी कि उसको 30 रुपए का बेचा होगा, तभी तो मुझे प्रॉफिट 10 रुपए का हुआ होगा। समझ में आया थोड़ा बहुत? तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है, हालांकि नंबर वन से ही हम लोग बना सकते हैं। आगे देखेगा, यदि मैं ऐसा करता हूं कि मैं क्या करता हूं, अगर मुझे सीपी निकालना हो तो फिर मुझे क्या करना होगा बताइएगा? सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपको उधर ही से भेजना होगा, यानी कि हमें जो है एसपी में से प्रॉफिट क्या करना होगा? घटाना होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप देखिएगा मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर देता हूं। ध्यान रखिए बेटा, देखो सीपी में हमेशा प्रॉफिट जुड़ता है, ध्यान रखना है, सीपी में हमेशा प्रॉफिट जुड़ता है तो हम लोगों को क्या निकल जाता है? उसका सेलिंग प्राइस निकल जाता है, यानी कि उसका एसपी निकल जाता है। यदि हम बात करते हैं सीपी की तो फिर हम लोगों को क्या करना होता है? एसपी में से प्रॉफिट हमेशा घटाना होता है, क्योंकि एसपी जो है वो सेलिंग प्राइस है तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड हो चुका होगा, तो हमें उसे सब्ट्रैक्ट कर देना होगा और हमारा क्या निकल जाएगा बेटा? कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यदि मैंने सपोज करिए एक ट्रेन खरीदी, अब मेरे ख्याल में मार्कर खरीद रहे हैं वो भी नहीं खरीद रहे हैं, तो आप खरीद रहे हैं तो अच्छा था, बड़ा था कुछ खरीदते हैं, हमने एक ट्रेन खरीदी है, ठीक है बेटा, और ट्रेन मैंने खरीदी है सपोज करिए 10 करोड़ रुपए की। कितनी बेटा? 10 करोड़, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने 10 करोड़, ठीक है। तो मैंने जो एक ट्रेन खरीदी है वो 10 करोड़ की खरीदी है। देखो ना, सोच की बात है, छोटी सोच, मार्कर डस्टर खरीद रहे हैं, थोड़ा बड़ा खरीदो, वो कौन सा ही हम खरीद रहे हैं, तो हमने ट्रेन खरीदा है 10 करोड़ का, ठीक है। मैंने कहा कि ये उसका ना, मान लो सपोज करो सीपी है, मतलब ये इसका सीपी कहलाएगा, क्योंकि जो खरीदते हैं ना वो उसका क्या कहलाता है बेटा? सीपी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उसका सीपी कहलाता है। और मैंने उसको ना 2 करोड़ फायदे से बेच दिया, इस बार आपको नहीं बेचा होगा, किसी अंबानी को बेचा होगा, 2 करोड़ के फायदे से बेच दिया, तो बताइएगा फिर मेरा उसका कितने रुपए का मैंने उसको बेचा? यानी कि मैंने उसको 2 करोड़ का नहीं बेचा होगा, 2 करोड़ फायदे से बेचने का मतलब यह है कि जो 10 करोड़ मैंने अपने इन्वेस्ट करे थे, जो खर्च करे थे, प्लस 2 करोड़ और एक्स्ट्रा उसमें कमाए हैं, मैंने उसको बेचा होगा कितने का बेटा? यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा दोनों को ऐड करके निकालना होगा, मीन्स 10 और 2 कितना होता है बेटा? 12 करोड़ का मैंने हमने बेटा उसको क्या करा होगा? बेचा होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से आप सीपी निकाल सकते हैं। यदि मैं कहता हूं कि मैंने एक ट्रेन जो है 10 करोड़ की बेच दी है और आपसे बोलूं कि मुझे बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ है सीधा सीधा 6 लाख रुपए का, मतलब 6 करोड़ रुपए का, लाख में जा रहे भी करोड़ का ही फायदा उठाते हैं, तो हमें उसमें 6 करोड़ का फायदा हुआ, तो बताओ कितने की खरीदी थी? तो यार बेची कितने की है? 10 करोड़ की। 6 करोड़ का आपने फायदा कमाया है, यानी कि घटा लीजिए, यानी कि कुल मिला के आपने उसको 4 करोड़ का खरीदा होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, करोड़ का नाम सुनकर थोड़ा चक्कर सा आ गया होगा ना बेटा, चलिए कोई बात नहीं है, पानी पीजिए, सांस लंबी नीचे करिएगा, छोड़ दीजिएगा नीचे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो बोलिए, पहला स्टेप समझ में आया नहीं आया? फॉर्मूला नंबर 1 है, यदि हम लोगों का बेचने वाला प्राइस जो है, बेचने वाला ये है, बेचने वाला प्राइस बड़ा होता है खरीदने वाले प्राइस से, तो उस कंडीशन में हम लोगों को प्रॉफिट या फिर गेन होता है। ठीक है, चलिएगा अब थोड़ा चेंज कर दें, एस को चेंज करेंगे, अगर सीपी बड़ा हो जाए किससे बेटा? एसपी से, तो इस कंडीशन में हम लोगों को लाभ नहीं होता है, लॉस होता है, क्योंकि आप लोगों ने खरीदा महंगा बेचा सस्ता, तो फिर कंडीशन हो जाएगी लॉस वाली। तो क्या होगा बेटा? यहां पे हमें लॉस होगा, और जब हमें लॉस होता है तो फॉर्मूले भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा? पहले लॉस आ जाएगा, पहले यहां पे 2 कर ले बेटा, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 है ये, उसी के पार्ट्स मैंने बनाए थे, ठीक है, तो इनका भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा? एसपी में से सीपी घटाना होगा। इतना दिमाग तो भगवान ने आपको जरूर दिया होगा, 100% गारंटी है। यदि आप लोगों ने एक वस्तु 100 रुपए की जो है खरीदी थी, कितने ही खरीदी थी बेटा? उल्टा कर देना मैंने अभी भी, ये अभी बताएंगे, देखिएगा यहां पे आप लोगों का पहले सीपी आएगा, फिर क्या आएगा बेटा? एसपी आएगा, तभी तो लॉस होएगा। अब आपने एक वस्तु 100 रुपए की खरीदी और बेची उसको 80 रुपए का, तो आप मुझे बताइए आपको यहां पे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बिल्कुल आपको यहां लॉस हो गया होगा, क्योंकि आपने पैसे जो खर्च किए हैं ज्यादा किए हैं, और जो उससे आपने अर्निंग ली है, जो कमाया है, वो मात्र 80 रुपए का आपने बेचा, यानी कि 20 रुपए का आपको सिंपल सिंपल लॉस हो गया है। तो जब भी आप लोगों
को लॉस निकालना होगा, तो याद रखना है सीपी में से आपको क्या घटा देना है, एसपी घटा देना है, फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। मैं तो समझता हूं यही चेंज होगा, बस केवल यहां पे सी होगा तो यहां पे एस हो जाएगा, और यदि यहां पे एस होगा तो यहां पर सी हो जाएगा, बाकी इनका क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा। मैं तो समझता हूं कि आपको फॉर्मूले याद करने चाहिए, और अगर आपको बनाने आ जाए तो सोने पे सुहागा, उससे बढ़िया खैर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है फिलहाल आप लोगों को, मुझे बताइएगा। तो लॉस कैसे निकालते हैं, समझ में आप लोगों को, सीपी में से एसपी घटाना होता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सीपी हमने ही रखा है, इसको इधर भेजा तो जाके प्लस हो जाएगा, यदि हम लोग इसको निकालते हैं इसको इधर भेजेंगे उधर जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर ये प्लस माइनस का खेल आपको समझ में नहीं आता है तो इससे पहले जो हमने बेसिक मैथ्स में वीडियो बनाई थी वो बनाई थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, वहां पर हम लोगों ने बेटा यही करना सीखा था। ठीक है कि भाई यहां पे इस प्रकार से क्वेश्चन है और इस तरीके से होता था, तो हम लोग इसको इधर और उसको उधर भेजते थे, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बताया था ना वहां पे, और ये उधर जाके भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यदि ये इधर माइनस का था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे हमने इधर भेजा है तो आप लोग पहले जो है लीनियर इक्वेशन की वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी, अन्यथा आप लोगों को जो आई बटन बना होता है ना शुरू में आता वीडियो चलते ही, तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं, वहां पर भी मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ गया आप लोगों को, फॉर्मूला नंबर टू समझ में आया हमने क्या करा। अब हम लोग जो है निकालेंगे बेटा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, अब हम परसेंटेज में आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा नंबर थ्री, हालांकि हमारे जो फॉर्मूले हैं वैसे सिक्स हो गए हैं लेकिन आप इनको इसी तरीके से याद करना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नंबर थ्री है, यदि हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, देखिएगा परसेंटेज अलग चीज होती है। ठीक है बेटा, फिर मैं फिर वहीं पर आ जाऊंगा, अगर परसेंटेज आपको निकालना नहीं आता है तो ये भी मैंने आप लोगों को जो प्लेलिस्ट है उसमें इसकी भी वीडियो बना के दी हुई है। ठीक है, तो वहां से अपनी परसेंटेज क्लियर कर लें। तो यहां पर क्या आएगा, पहले हमेशा प्रॉफिट आएगा, सुन लीजिएगा, जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर प्रॉफिट, नीचे हमेशा सीपी रहेगा, इंटू रहेगा हैंड रेंड, लास्ट में लगा देना परसेंटेज, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला नंबर थ्री। ठीक है, नंबर फोर देखिएगा, ये फॉर्मूले हैं जब हम करेंगे तो अच्छे तरीके से हमें लर्न हो जाएंगे। यहां पर आएगा हमारा लॉस, गेन नहीं होता, गेन सेम ही रहेगा। ठीक है, गेन मतलब प्रॉफिट ही होता है। यदि हमें लॉस परसेंटेज निकालना है तो ऊपर रहेगा लॉस, नीचे रहेगा सीपी, इनटू रहेगा हंड्रेड परसेंट। बताइए समझ में आया नहीं आया, फॉर्मूला है समझ में आया ना, याद तो फिर भी करना पड़ेगा। चलिएगा, अब समझ में आया आप लोगों को, आगे और कुछ फॉर्मूले देखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, देखो इसमें चार फॉर्मूले बनते हैं। यदि आप लोगों को देखो कंडीशन क्या है, मैं बोलता हूं यदि हम लोगों को सीपी निकालना है तो, और हमें पहले कंडीशन देनी होगी, ये देखिएगा एसपी अपॉन में आ गया है हैंड्रेंड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब कहोगे ये क्या बला है, देखिए बेटा यदि हम लोगों को फाइंड करना है सीपी, क्या करना है बेटा, फाइंड करना है सीपी, हम लोगों को एसपी भी गिवन है, क्या गिवन है बेटा, एसपी भी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है, तो मान लीजिएगा फिर आप लोगों को क्या करना है, गिवन है बेटा, गिवन लिखना है, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए। यदि एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जिसमें हमें सीपी निकालना है और हमें एसपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि हम लोगों को इसे हम फॉर्मूला नंबर मानते हैं बेटा फाइव, ठीक है चलेगा, फॉर्मूला नंबर फाइव था, अब यहीं पे मैं इसको सिक्स बना देता हूं। ठीक है चलेगा, नंबर सिक्स देखिएगा, नोट करते रहना मेरे साथ साथ, ये आपको मैं यूज करने सिखा दूंगा। यदि लॉस परसेंटेज दिया होता तो फिर क्या करते, कुछ नहीं करते, जो प्रॉफिट था प्लस का उसको कर देते हैं माइनस का। हालांकि ये फॉर्मूले हैं लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, बनाना सीख लेंगे तो आपका बहुत लाभ हो जाएगा। चलिएगा नंबर सेवन पे आ जाते हैं, नंबर सेवन में अब हम लोगों को थोड़ा चेंज करना होगा, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इस बार देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यानी कि एसपी, हमें एसपी निकालना है, इसका फॉर्मूला अलग होता है, हैंड्रेंड माइनस होगा बेटा लॉस परसेंटेज, अगर लॉस दे रखा होगा तो माइनस करना होता है, अपॉन में रहेगा हैंड्रेंड और बेटा इनटू में रहेगा, यानी कि इसको आप ना ब्रैकेट में लिख लेना, इनटू में रहेगा सीपी। ठीक है, इसी का एक और फॉर्मूला होता है, यदि हम लोगों को, चलो यहीं पे मैं लिख देता हूं नंबर एट, यदि हमें यहां पे दिया होता क्या बेटा, क्या दिया होता यहां पे, हमें दिया होता प्रॉफिट, पहले इसको चेंज कर ले पहले, चलो बेटा पहले इसको देख लीजिएगा आप लोग, अगर हमें लॉस परसेंटेज गिवन है और सीपी गिवन है, एसपी हमें निकालना है, तो फिर ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया, कौन से वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, देखिएगा कैसे नंबर नाइन, अब ये तो शायद सेवन था, अब इसको फॉर्मूला देखिएगा आप लोग कैसे करना है, फॉर्मूला आगे पीछे से खुद से आप स्टडी करिएगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा था ये वाला फॉर्मूला कि सीपी अगर लॉस परसेंटेज दे रखा होगा
तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एसपी कैसे निकालेंगे यदि हमें लॉस परसेंटेज और सीपी दिया होगा। ठीक है, शब्द आगे पीछे हो रहे हैं बस, केवल और कुछ भी नहीं है। यहां पर हो जाएगा प्रॉफिट, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से फॉर्मूले यूज करने आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका बस प्लस में प्रॉफिट, बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा आप लोगों का सेम रहेगा। ये होते हैं आप लोगों के इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो आपको बेटा यूज करके दिखाने हैं। ठीक है, शायद ये 8 या 9 फॉर्मूले हो गए होंगे, इनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग इनके बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले अपने नोट कर लीजिए प्लीज। देखिएगा, हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं और बेटा किस प्रकार से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। यहां पर देखिएगा आप लोगों को जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए दे रखा है और एसपी जो है वो कितना दिया बेटा, 125 रुपए दिया हुआ है। अब आप देख लीजिएगा, यदि हम लोगों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है और उसका जो बेचने वाला प्राइस है वो 125 रुपए, आप खुद दिमाग लगाइएगा ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया ऑलरेडी प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे एसपी माइनस सीपी। सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही पढ़ा था, एसपी की वैल्यू है 125 में से सबट्रैक्ट करेंगे 100, तो हमारे पास बच जाएगा 25 रुपीज। ठीक है बेटा, हम लोगों को केवल प्रॉफिट नहीं निकालना था, हमें इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला हमने लिखा था, मुझे बताइएगा क्या होता है, जोर से बोलो क्या था, मुझे आवाज आनी चाहिए, क्या था बेटा, ऊपर हमेशा फिर प्रॉफिट रहेगा, नीचे क्या रहेगा आप लोगों का बता दीजिएगा, एसपी इनटू में रहेगा 100%। क्लियर है इतना। अब हम लोग जो वैल्यूज हमारी आई है उनको यहां पुट कर देंगे और अपना आंसर लेकर आ जाएंगे। देखिएगा आपका जो प्रॉफिट है वो 25 रुपए आया था, क्लियर है। सीपी जो है आप लोगों का बेटा 100 है, इनटू भी आप देखिएगा 100 ही हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 25%। बोलो समझ में आया है नहीं आया, थोड़ा वो समझ में जरूर आया होगा। ठीक है बेटा, अगर नहीं आया है तो देखिएगा अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 2 आपके लिए छोड़ देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा फिर से आप लोगों को कोर्स प्राइस दिया हुआ है कितना बेटा, 1120 रुपया, कितना बेटा 1120 रुपया, और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो है 1260 रुपया, कितना बेटा 1260। तो अब आप देखिएगा जब सीपी हमारा कम हो एसपी हमारा ज्यादा हो तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, जो कि आप लोग ऐसे ही निकाल सकते थे। ठीक है, चलिएगा कैसे निकाल सकते थे, 1260 रुपए में से 1120 रुपए अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 140 रुपया बचेगा जो कि हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो 140 हम लोग कहां रखेंगे बेटा, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा 140 आ जाएगा यहां पर, कहां पर बेटा, यहां पर 140। सीपी की वैल्यू है आप लोगों की कितनी बेटा बताइएगा, सीपी कितना आया था आप लोगों का, ये था 1120 इंटू में था आप लोगों का 100%। बस अब आप लोगों को इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाले से ये वाला बड़े ही आसान के साथ खर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, खर्च हो जाएगा। और अब देखिए ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के आपका 1400, नीचे है 112, क्या है बेटा, नीचे है 112, जिसे कि मैं यहां पे सोल्व करना चाहूंगा। हमारे पास है 14, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 14 × 100 अपॉन में लिख सकते हैं इसको बेटा 112। आप जानते होंगे कि 14 8 जा कितना होता है, देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 14 की मल्टीप्लाई 8 में कर रहे हैं, 8 चौक होता है 32, हाँ से लग गए 3, 8 और 3 11 होते हैं ना 112 बेटा, यानी कि इसको भी अगर मैं चाहूं तो दो भागों में स्प्लिट कर सकता हूं 14 × 8, जिससे कि मेरा 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं डायरेक्ट इन दोनों को 14 से डिवाइड कर सकता था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे इन दोनों को काटेंगे 4 से, ये आएगा 25, ये आएगा 2, कुल मिला के जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 25/2%। यहां पर आप आंसर छोड़ सकते हैं या इसको पूरा भाग कर दीजिएगा 12.5%, ये हमारा आंसर आएगा। यदि हमें इसे क्या बनाना बेटा, मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो आएगा 12/1.2%, इतना आप लोगों को आता होगा। जब फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ाया था तो बताया था कि कैसे हम लोग एक इंप्रोपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, अन्यथा पूरा डिवाइड कर दो, पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा समझ में आया थोड़ा बहुत, चलो हो सकता अभी भी समझ में ना आया हो। अब इसका हम ये जो ना लास्ट वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, नंबर 5 वाला। ठीक है, दूसरा और चौथा आप खुद से करेंगे, कौन करेंगे बेटा, आप करेंगे। ये है 13600
यानी कि हमने कुल खर्च किए हैं 13,600 रुपीज और उसको जो बेचा है वो बेचा है बेटा कितने का, 14,000 रुपए का। सिंपल सी बात है, हमें हुआ होगा यहाँ पे प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे, 14,000 में से 13,600 घटाएंगे, कुल हमें यहाँ पे बचेगा 400 रुपए का फायदा। और इसको यहाँ पे रख के उसको क्या कर देंगे बेटा, सिंपलीफाई कर देंगे। देखिएगा काफी इजी लग रहा है क्वेश्चन अब मुझे यहाँ से, ये इतना आएगा ऊपर और ये आ जाएगा 13,600 इंटू में रहेगा हैंड रेंड। अब आप देख लीजिएगा, आप सबसे पहले इसको दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, बाकी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है 400136। हालांकि पहले 2 से डिवाइड हो रहा है फिर 4 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं, अन्यथा इन दोनों का आप लोग जो है डिवीजन मेथड से क्या ले सकते हैं बेटा, देखिएगा क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अगर हमें इनको सिंप्लीफाई करना है तो पहले मैं डिवीजन मेथड से इनका एसएफ निकालूंगा, 400 को मैं डिवाइड करना चाहूंगा 136 से, ठीक है बेटा। इसमें देखिएगा 3 चलेगा या 2 जा, 3 चलने पे क्या होगा, 18 का 8 कहां से लग गया 1, 9 और 1 10 किस में लग गया 1, और ये हो जाएगा 408 जो कि हो जाएंगे ज्यादा, तो मैं यहां पे चलाऊंगा 2 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 272, समझ में आ रहा है, डिवीजन मेथड से डिवाइड करना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो सीख लीजिएगा, ठीक है। 28 यानी कि कुल हमारे पास बचेगा 128, फिर मैं इसे डिवाइड करूंगा 136, अब मैं इसको यहां पर चलाऊंगा 1 जा 128 और यहां पर देखिएगा 2 बचेगा, यहां पे बचेगा आप लोगों के पास मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी वही बचेगा जो मेरे हिसाब से बचा, कुछ भी नहीं बचेगा, 2 नहीं बचेगा बेटा, ध्यान रखिएगा। यहां से हम कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 16 में से गया तो 8 बचेगा, सॉरी अब हम इसको भाग करेंगे 128 से, 8 होता है 4 बचेगा, 8 बचेगा, सोल्व करेंगे तो 16 बार ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये जो दोनों नंबर है 8 से डिविजिबल है, 8 से मैं इसे काटूंगा तो 50 बार कटेगा, 8 से इसे काटूंगा 8 एक 8 8 7 जा होता है 56, तो कुल मिला के हमारा आंसर आ रहा है 50 अपॉन में 17, यदि मैंने कोई भी गुना भाग में गलती नहीं किया तो ये इसका आंसर आ रहा होगा। इसको हम लिखेंगे 2 जा 14 और 16 हो जाएगा अपॉन में आएगा 17%, ये आ जाएगा बेटा हमारा आंसर, ठीक है। इस वाले का आंसर क्या आएगा हमारा बेटा, ये वाला आएगा जो मैं अभी लेके आया हूँ, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। आप इस तरीके से तो हम लोग बेटा प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या हो यदि हमारे पास जो है बेटा, देखो सेम चलता रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हम लोग देखिएगा क्या करेंगे, अब हम लिखा लेंगे लॉस एंड लॉस परसेंटेज, ऐसा कभी दिया होता है कभी नहीं दिया होता कि लॉस एंड लॉस परसेंट निकालना है, आप खुद से पता कर सकते हैं कि वहां पर लॉस हुआ होगा या फिर प्रॉफिट हुआ होगा। देखिएगा कोई सामान हमने 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, लेकिन यदि हम लोग उसे केवल 75 रुपए का बेचते हैं या 80 रुपए का बेचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे हमें क्या हुआ होगा बेटा, लॉस हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर में इसको 6 कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं 7 और इसको कर देता हूं 8, इसको 9 और इसको कर देता हूं 10, बस ये मैं सेम रहने देता हूं, ऐसा करता हूं, ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा कम कर देता हूं, किससे कम करना होगा, जो प्राइस हमने खरीदा था 10,000 का, बेचा है 7,000 का या फिर 8,000 का, ठीक है, खरीदा था इतने का, बेचा है मात्र चलो आपने 900 रुपए का, ठीक है, खरीदा था इतने रुपए का, बेचा है 1150 रुपए का, ठीक है, नहीं ये तो 12,000 है तो ये हो जाएगा आपका 11,500 रुपए, ठीक है, और ये है 13,000 का, सपोज कर हमने बेच दिया है तो क्या आंसर आएगा, या 12,000 कर लीजिएगा क्या आंसर आएगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो फिर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 करके जरूर दिखाऊंगा क्या इसका आंसर आ रहा है। ये है हमारा बेटा 100 रुपए, ये तो छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा, और ये है हमारा 75 रुपए। अब आप देख लीजिएगा कौन सा बड़ा है, यदि सीपी बड़ा है तो लॉस हुआ होगा, एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ होगा, आप समझ सकते हैं हमें यहां पे क्या हुआ है बेटा, लॉस हुआ है। लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है आप लोगों का बेटा सीपी माइनस एसपी, नंबर 2 पे हमने ये पढ़ा था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपना आंसर लेकर आएंगे 25, तो 25 रुपए का हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो फिर से देखिएगा 75 है, अब मैं इसको 80 करूंगा तो वही फिर से आंसर हमारा आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था, मुझे निकालना है लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस ऊपर रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा मेरा सीपी आ जाएगा, इनटू में मेरा क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा,
ठीक है, लॉस कितना है हम लोगों को, 25 रुपए का लॉस हुआ है। जितने रुपए का लॉस हुआ है 100 रुपए पे होता तो वो उतना ही परसेंटेज बन जाता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 25%। बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है, हो सकता है समझ में ना आया हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाएंगे आप लोगों को, कौन से वाला 8। 8 में क्या करना है पहले आप देखिएगा, ये है 1120 रुपया, ये हो गई 1120 रुपया, और हमने उसको 900 रुपये का जो है क्या करा है बेटा, सेल किया है, यानी कि हम लोगों को कुछ नुकसान हुआ है, और कितना नुकसान हुआ है ये आपको घटाने के बाद ही पता चल पाएगा। कितना नुकसान हो गया बेटा, आई थिंक 100 रुपये और ऊपर से 220 रुपये का, यानी कि टोटल आपको घाटा लगा है। इस वाली वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे और अपना आंसर लेकर आएंगे, तो ये कितना है 220, सीपी कितना था उसका 1120 इंटू में रहेगा हैंड रेंट, ठीक है। आप इस तरीके से 20 से 20 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, जीरो नंबर आएंगे फिर, ठीक है, ऐसी गुना भाग नहीं करना है आपको बेटा। देखो ये पूरा एक नंबर माना जाएगा और ये पूरा एक नंबर है, ठीक है, ये इस टेबल में पूरा पूरा कटेगा, ऐसे काट सकते हैं आप लोग, ये जीरो से इस जीरो को आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, इसको 2 से काट सकते हैं, ये 11 बार कटेगा, 2 से ये कटेगा कितनी बार बेटा, 2 5 10 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या आंसर आ रहा है, मैं यहां नहीं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा इसको, ये है हमारा आंसर, या मैं इसको हटा देता हूं यहां से, तो अब हमारा आंसर देखिए क्या आ रहा है बेटा, 11 अपॉन में 56 है, 11 के साथ मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, हैंड रेंट की हो जाएगी, अपॉन में है 56, ये दोनों के दोनों जो है बेटा 4 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में ये आता है 25 बार में, और 4 के टेबल में ये कट जाएगा आपका 14 टाइम्स में, ठीक है। अब ये दोनों नहीं कटेंगे तो हमें क्या करना होगा, अब आपको पता है क्या करना होगा, हमें अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, जो क्या आएगी 275 अपॉन में है 14, ये है परसेंट हमारा आंसर। आप चाहें तो इसका आंसर पॉइंट में ला सकते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं, ठीक है। क्या आंसर आएगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि क्या आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी प्रकार से आप लोगों को 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करना है, ठीक है, पहले ना आप नोट कर लीजिए प्लीज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को निकालना बेटा फाइंड एसपी, एसपी का मतलब होता है हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। यदि हम लोगों को बेटा सीपी दिया हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, गेन परसेंटेज दिया होगा, या फिर बेटा क्या दिया होगा आप लोगों को, लॉस परसेंटेज दिया होगा, ठीक है। तो यहां पे पहले हम लिख लेते हैं कन्फर्मेशन है, इसका मतलब यह हुआ बेटा हम लोगों ने कोई वस्तु 900 रुपए में खरीदी है, अब बताइए उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए यदि उस पर हमें 10% का प्रॉफिट या गेन हुआ हो, ठीक हो बेटा। अब हम लोग गेन को और प्रॉफिट को एक ही समझते हैं, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। चलिएगा इसका फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होता है, मैंने लिखा था 7वां 8वां फॉर्मूला, जब मैंने लिखा था मैंने क्या बताया था आप लोगों को बेटा, बताया था यदि हम लोग एसपी निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को हैंड रेंट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज एक ही बात है बेटा, और अपॉन में रहेगा हैंड रेंट, और पूरे पे ब्रैकेट लगा के इंटू कर देते हैं बेटा सीपी से, आपको पता चल जाएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चनों में देखो क्या होता है, आप लोगों को कॉस्ट प्राइस मिलता है और क्या मिलता है गेन परसेंटेज या फिर क्या मिलता है लॉस परसेंटेज दिया हुआ होता है। अब हमें ये वैल्यूज यहां इस फॉर्मूले पुट कर देनी है, सिंप्लीफाई कर देना है, हम लोगों का सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा हैंड रेंट रहेगा कितना है, गेन परसेंटेज आप लोगों का 10% है, तो आपको बस 10 लिख देना है, और ये हैंड रेंट आपका सेम रहेगा, और इनटू में देखिए क्या रहेगा बेटा सीपी, सीपी है आपका बेटा 900, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को पहले ऐड करना होगा, अगर 100 में आप लोग 10 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 110 अपॉन में 100 इनटू होगा 900, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों की आपको मल्टीप्लाई करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा 990 रुपीज, यानी कि हमें वो वस्तु कितने रुपए की बेचनी होगी बेटा 990 रुपए की बेचनी होगी यदि हम चाहते हैं कि उस पर हमें बेटा कितना परसेंट का गेन हो, 10% का गेन हो, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इस बार आप लोगों को 1200 रुपए दिया हुआ है, ये 1260 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो उससे मैटर नहीं करता है, परसेंटेज हमें दी हुई है बेटा इस बार 12, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा गेन परसेंटेज की जगह वो प्रॉफिट भी लिखेगा तब भी क्वेश्चन आपका ऐसे ही सोल्व होगा, क्योंकि प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही शब्द होते हैं। अब यहां पर फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, क्या बदलेगा, बस केवल ये बदलेगा, ये हो जाएगा इस बार 12 और बदल जाएगा आपका 900, क्योंकि इस बार है हमारे पास 1200 रुपया, ठीक है।
अब हम इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि दोनों को ऊपर ऐड करेंगे, 112 अपॉन में हो जाएगा 100 इनटू में हो जाएगा 1200। इस कंडीशन में क्या होगा, ये दो जीरो आपस में इससे कैंसिल हो जाएगी, 12 की आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है और हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 112 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, 12 में। यहां पर आपका फाइनल आंसर होगा जो कि हमारा निकल कर आ जाएगा बेटा क्या, सेलिंग प्राइस। क्लियर है इतना आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया आप लोगों को? ये था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करेंगे। 13 में आपको देखिए फिर से सीपी दिया हुआ है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा, लॉस दिया हुआ है। मींस ये अब आपका जो गेन था अब बन जाएगा लॉस, ठीक है। और लॉस परसेंटेज कितना है, 10%। मैंने काफी इजी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बाकी मैं इतना आपको बताना चाहूंगा, लॉस परसेंटेज कुछ भी हो, बस आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूले में रख देना और इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा आप लोगों को, 15,500 रुपया दिया हुआ है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस जो गेन था अब वो लॉस हो गया है। गेन में हमेशा प्लस आएगा, याद रखना है, और लॉस में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का आपका हुआ है लॉस परसेंटेज, ठीक है बेटा। इनटू में रहेगा आपका सीपी, ही सेम रहता है। अब आपको जो पहले जोड़ा था वो यहां से हमारा क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, 15,500 रुपया हो गई है। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब तक इन दोनों को जोड़ रहे थे, अब इन दोनों को घटा देंगे। अपॉन में आएगा इतना, इनटू हो जाएगा 15500, ठीक है। अब ये देखिए बड़े ही आराम से यहां पर ये जीरो जीरो कट जा रही है। अगर नहीं कटता है, अगर पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में उसको आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 44 और 4 × 9 = 4, 13 और 10 तो 13,950 रुपए का आपको बेटा वो बेचना होगा या बेका गया होगा, तभी तो आप लोगों को बेटा लॉस हुआ है। खरीदा था 15,500 का, लॉस हुआ अगर 10% का तो इससे कम में ही बेका गया होगा, तभी तो आप लोगों को बेटा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। समझ में आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। इस बार आपको जो सीपी है वो दे रखा है 640 रुपया, थोड़ा सा कम दिया है। लॉस यहां पर 15% का आपको निकाल के दिया हुआ है। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहां पर 15 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये 640 रहेगा, ठीक है। इस बार देखिएगा वो हो गया जो मैं कह रहा था कि इस बार आपको देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। ये हो जाएगा 75 अपॉन में है बेटा आप लोगों का 100 इनटू में आ गया है 640, ठीक है। अगर आप दिमाग से करेंगे तो बड़े ही आराम से सोल्व हो जाएगा। ये 75 गलत बचा, सही बचा, बिल्कुल गलत बचा। यहां पर आएगा बेटा 85, कितना आएगा बेटा 85। आप सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे 85 × 64 / 10। पहले दोनों देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से 32 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 से 17 टाइम्स कट जाएगा। अब आप लोगों को बस केवल 32 की मल्टीप्लाई 17 में कर लेनी है। 7 × 2 = 14, 1 = 21 और 1 हो जाएगा 22, 32 से कौन होते हैं 32, 4 और ये हो जाएगा 5, यानी कि कुल मिला के 544 रुपए की आपने वो वस्तु या वो सामान बेचा होगा, तभी आप लोगों को क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ है। कितने परसेंट का, 15% का। यदि आपने कोई वस्तु कितने रुपए की खरीदी हो, 640 रुपए की खरीदी हो। ये था क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन नोट करेंगे जिसका नाम होगा 15, 16, 17, 18, ये मैं यहां लिखूंगा, ठीक है, आप नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों का, देखिएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। सीपी दे रहा हूं आप लोगों को 1120 रुपया और जो हमारा इसमें गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, गेन परसेंटेज मैंने दे दिया है आप लोगों को, ये मान लीजिएगा 20% का हमें क्या हुआ बेटा, लाभ हुआ है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिएगा 16, ठीक है। 16 में हमारे पास दे रखा है 17,000 रुपीज, ठीक है, और यहां पर केवल आपको दिया हुआ है 8 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
17 में लॉस दिया हुआ है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन करके देखना, यदि लॉस परसेंटेज आप लोगों को 8% दिया हुआ हो, सीपी उसका कितना हो 17,000, तो बताइए उसको कितने रुपए में बेचा गया होगा जिससे कि हमें लॉस 8% का हुआ। और क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको खुद से सोल्व करना है। इस बार यहां पर हमने कर दिया है बेटा, कितना कर देते हैं सोच करो, 30,400 रुपए कर देते हैं। 30,400 रुपए का कोई सामान था, उस पर हमें जो है 12% का लॉस हुआ है, बताइएगा उसको हमने ऐसे कितने रुपए का बेचा होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिएगा यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर अब मेरा कितना बन जाएगा, ये 18 हो गया ना, तो ये 19 बनेगा, ये मेरा 20 बनेगा, ये 21 और ये बन जाएगा 22, 20, 21, 22। हाँ, काउंटिंग नंबर तो आपको खैर याद होगा। इस बार हम लोगों को सीपी निकालना है और हम लोगों को बेटा एसपी गिवन है। क्या गिवन है बेटा? एसपी गिवन है। इससे कर देंगे सेम के सेम, देखिएगा कोई टेंशन नहीं है, इन्हीं से हम लोग अभी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लेकिन क्या होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एक फॉर्मूला बेटा ये पढ़ा आपने, दो फॉर्मूले पढ़े, अगर यहां प्लस है तो यानी कि गेन आएगा, माइनस है तो यानी कि लॉस आएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है ये देख लीजिएगा। इस बार हम लोगों को एसपी ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 19। ठीक है, एसपी गिवन है कितना, 900 रुपीज अपने आप से आप लिख लेना। गेन परसेंटेज आपको दे रखा है बेटा 10%। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये उससे इजी होता है, बड़े आराम तरीके से याद कर सकते हैं आप लोगों को। एसपी की सीधी मल्टीप्लाई कर देनी है हंड्रेड में, अपॉन में हमेशा रहेगा हंड्रेड प्लस गेन परसेंटेज। मैं फिर से कह रहा हूं, गेन को हम लोग लॉस परसेंटेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, वैल्यूज पुट करनी होगी, अपना आंसर लाना होगा। ठीक है, तो बताइएगा एसपी हमारा कितना है, ये है 900, वो इनटू है बेटा, प्लस नहीं करना है, 100 आपके फॉर्मूले में से आया है, 100 ये भी फॉर्मूले में से आया है, प्लस गेन परसेंटेज कितना है 10। अब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9000 अपॉन में हो जाएगा बेटा 110। ठीक है, आप देखिएगा यदि मैं इसको 990 मानूं, देखो अभी मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये जीरो से जीरो कट जाएगी, आराम से कट जाएगी। अब मैं जिसको भाग करना पड़ेगा पॉइंट में मेरा आंसर आएगा। यदि मैं चाहता हूं कि पॉइंट में मेरा आंसर ना आए तो मुझे ये करना पड़ेगा 990 रुपया, जिससे कि मेरा बड़े ही आसान तरीके से अब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बताइए कैसे, बताइए बेटा। अब ये जैसे 990 होगा तो फिर बेटा ये टोटल कितना हो जाएगा, 99000 हो जाएगा। अब आप देखिएगा मैं इसको बड़े ही आराम से शान के साथ इसको खर्च कर दूंगा, शान के साथ खर्च हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 9000, यानी कि कुल मिला के 900 रुपए। मीन्स उस वस्तु का प्राइस 900 रुपए था जिसको आपने 990 रुपए का बेच के 10% का प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, ये मैंने चेंज कर दिया था। ठीक है, अदरवाइज आप इसको पूरा डिवाइड करते, बस पॉइंट में हमारा आंसर आ जाता, इतना सा फर्क पड़ता, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भैया। आगे देखिएगा, अभी मैं अगला भी करके दिखाऊंगा। ये है 1200 की जगह 18000 हो सकता है, 3600 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, मैटर नहीं करता है। गेन परसेंटेज है 12, जो कि 12 से ज्यादा भी हो सकती है, 12 होल 1/2 भी हो सकती है। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इस बार इसको कर देते हैं 12 होल 1/2%, नो मैटर, ये भी हो जाएगा सोल्व, कोई खास टेंशन नहीं है। तो इसको मैं कर सकता हूं 1/2%, देखिए कैसे सोल्व होगा। एसपी हमारा 1200 हमें गिवन है, टू में हैंड्रेंड है, प्लस देखिएगा हैंड्रेंड रहेगा प्लस, इस बार देखिएगा ये क्या बन जाएगा, 24 दुनिया 24, मतलब 12 दुनिया 24 और 1/25, 25 बटे में इसको लिखा जाएगा 2। बोलो समझ में आया नहीं आया, जो भी गेन परसेंटेज दिया होगा उसको आपको यहां सेम लिख देना है, फिर आपको इसको सोल्व करना होगा। ये तो आप सोल्व करके ही दिखाना होगा, नीचे 1 मानेंगे, ऊपर तो आपका सिंपल है 12000 नहीं हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1,20,000। और अब आप देखिए 2 बन जा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 225 होगा, ऊपर दिमाग लगाइएगा 200 प्लस 25, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये 2 कहां पहुंच जाएगा, आपका ऊपर पहुंच जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000 इंटू 2 अपॉन में आ जाएगा बेटा 225। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अब इसको बस आपको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए बटे मैं आराम से इसको डिवाइड कर सकता हूं, पहले आप इसको 25 से काट सकते हैं या 5 से काट सकते हैं। ठीक है, 5 से काटा, 5 दुनी 10, 5 चौक 20 और आगे आएंगी 3 जीरो,
पांच से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पांच चौक बीस और पांच पंजे पच्चीस, पैंतालीस बार कट जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या बन गई है, कंडीशन बन गई है 24000 इंटू में हमें दे रखा है 2 अपॉन में दे रखा है 45। अभी भी देखो ये कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, पांच चौक बीस, पांच अट्ठे चालीस, दो जीरो बचेगी, 59 जितना होता है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 16 होता है 48, ये हो जाएगा 3। अब आपको देखना है बेटा इसको, ये हो जाएगा 3200 और डिवाइड कर देना है 3 से, ठीक है। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा चेक करके देख लेते हैं। आपको डिवाइड करना होगा इस वाले नंबर को 3 से, 3 × 3 दो उतारेंगे नहीं आएगा, जीरो आएगा, फिर एक जीरो, सिक्सा होता है 18, फिर दो बचेगा जीरो, सिक्सा होता है 18.66। तो आप आंसर लिख सकते हैं बेटा इसका 1066.66, ये रहेगा आपका आंसर। यानी कि वो वस्तु जो है आपने इतने रुपए की तो खरीदी थी, इतने की बेचने के बाद इतने का आपको प्रॉफिट उस पर हो गया था, ठीक है। चलिएगा, अगर गुना भाग आपको और तरीके से आती तो उस तरीके से करके देखिएगा, जैसी भी आपकी कैलकुलेशन से करके अपना उत्तर लेकर आइएगा, ठीक है। इस बार जो है क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखिए हम क्या करने वाले हैं, 21 में 15000 आपको दे रखा है 500 रुपया, और ये फिर से 10% दिया हुआ है, कोई मैटर नहीं करता, जो भी परसेंट दी होगी हम लोगों को बस केवल उसे सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। अगर गेन आता है तो प्लस कर देते हैं, लॉस आता है तो माइनस कर देते हैं। तो बस यहां पर आपका क्या आएगा, ओनली माइनस का लॉस परसेंटेज। इन चारों फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, दो अभी कर रहे थे और दो ये हो गए, ठीक है बेटा। चलिएगा, 15500 मैंने कहा था कंपटीशन के लिए काफी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। 100 माइनस क्या हो जाएगा आपका लॉस, 10% दिया हुआ है, आगे सिंप्लीफाई करिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, आप इसको देखो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे करके छोड़ो और आसान रहेगा उससे। तो ये होगा इस तरीके से, ये बचेगा 90, इस वाले से वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको इनकी मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हैं, 22 भी मैं आप लोगों को उसमें हिंट करूंगा ही करूंगा, वैसे तो बड़ा आसान लग रहा होगा। अब आपको 640 दिया हुआ है, 15% का लॉस हुआ है, तो यानी कि उससे तो हमने ज्यादा का ही खरीदा होगा, लॉस तभी तो होता है बेटा जब सीपी बड़ा होता है आप लोगों का। तो यहां से बदल जाएगा आपका सवाल, ये हो जाएगा आपका 640 मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे किससे बेटा, हैंडरेंट से, क्योंकि फॉर्मूले में लगा होता है हैंडन, माइनस आपका आ रहा है 15, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा आपका 85 और ये कुल मिला के 640 इंटू में रहेगा 00, ठीक है बेटा। यदि ये नंबर आप लोगों का किससे कट जाए बेटा, 17 से कट जाए, यानी कि अगर ये 680 होता तो देखिए कितना इजी सवाल होता। देखिए मैं तो अपने के लिए चेंज कर दिया है, ये मैंने कर दिया है 68, बाकी ऐसे भी आंसर आ रहा है, यहां पे ये 68 हो जाएगा, यहां भी ये 68 हो जाएगा। देखो इससे क्या फायदा होगा, हमें पता है कि जो ये है 17 आता है, 17 × 5 = 85 होता है, पता है आप लोगों को। चलिएगा अब ये हमारा इसको अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 68 इंटू में इस वाले जीरो को इधर भेज के हो जाएगा यानी कि 1000। अब 17 चौक होता है इतना, और बेटा ये कट जाएगा इससे 200 बार, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 800 रुपये। यानी कि आपने कोई वस्तु 800 रुपये की खरीदी थी, लेकिन जब आपने उसको कितने का बेचा, 680 रुपये का, तो आपको लॉस कितना हुआ बेटा, 15% का लॉस हुआ, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को आप सेम करके देखेंगे, बस मैं वैल्यूज को क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, क्योंकि यहां 75 आएगा तो मैं यहां पर कर देता हूं बेटा कितना, 102 यानी कि 10200 रुपया, क्या आंसर आएगा देखेंगे। यहां पे कर देता हूं 7800, यहां पे कर देता हूं सपोज करिए आप लोगों के लिए 6680, कैसे इसका आंसर आएगा देखना है आप लोगों को। और ये मैं एक सिंपल सा कर देता हूं, मान लो यहां पे कर रखा है मैंने 10200 रुपया, ठीक है बेटा, 10020 कर देता हूं या फिर 1200 कर देता हूं, 10200 रुपया कर देता हूं, आसान रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हुए हैं बता दीजिएगा मुझे, 22 के बाद 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, और क्या आता है बेटा, 26 आता है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट वन, जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का। पार्ट टू में मुझे उम्मीद है कि प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसमें हम लोग आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वहां पर आप लोगों को देखेंगे कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि सेल टैक्स होता है, लेबर होता है, और भी कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपको अगली वीडियो में ही पता चल पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।